प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन के लिए HDFC बैंक ने शिमला के होटल वुडविल पैलेस से एक धन पंचायत नामक लिटरेसी वैन रवाना की, जो प्रदेश के 200 गांवों में जाकर बैंकिंग सेवाओं के विषय में लोगों को जागरूक करेगी। वैन को हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्तीय सचिव श्रीकांत वालदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता के प्रचार प्रसार के लिए प्रमुख निजी बैंक HDFC ने धन पंचायत नामक एक साक्षरता वैन को शिमला से रवाना किया है। वैन के माध्यम से स्कूली छात्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को उनके वित्तीय अधिकारों व बैंकिंग सेवाओं के विषय में जागरूक किया जाएगा। कार्यक्रम के विषय में HDFC बैंक के स्थानीय सर्कल महाप्रबंधक JC सिंह ने सिटी चैनल को बताया कि बैंक भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न वित्तीय योजनाओं के विषय में लोगों को जागरूक करेगा। ये 19वां स्टेट है जहां हमारे बैंक ने लॉन्च किया है। इसका पर्पस फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल लिटरेसी है, बहुत है कि गांव के लोगों को इसके बारे पता लगे, बैंकिंग सर्विसेज के बारे पता लगे, और ये हमारे पूरे पैन इंडिया फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक पार्ट बनता है कि गांव के लोग बैंकिंग में आएँ, जुड़ें और बैंकिंग सारी सुविधा लें। इसके साथ साथ हम स्कूल के बच्चों को भी बैंकिंग के बारे परिचय देंगे, उसकी भी हमने एक फिल्म बनाई है जो ये 200 से अधिक गाँव में जाएंगी, 200 विलेजेस को कवर करेगी एंड वहाँ जा जा के गांव-गांव में लिटरेसी प्रोग्राम के इस वैन के थ्रू लोगों को जानकारी देगी कि क्या बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं और बैंकिंग के साथ जुड़ेंगे, जो एक गवर्नमेंट के साथ हमारा इनिशिएटिव है। शायद जैसे पंचायत होती है, वैसे धनचायत ये है कि भी धनचायत के थ्रू जैसे जितनी भी बैंकिंग सुविधाएँ हैं, बैंकिंग सुविधाएँ के बारे हम बताएंगे बैंकों को। जैसे अब प्रधानमंत्री जनधन योजना है चल रही है, उसके बारे बताएंगे, जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है उसके बारे बताएंगे। उधर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ IAS अधिकारी व हिमाचल प्रदेश के वित्त सचिव श्रीकांत बालदी ने बताया कि वैन के माध्यम से लंबे समय से किसानों का शोषण कर रहे मनी लैंडर से छुटकारा पाकर बैंक के द्वारा दिए जा रहे ऋणों के विषय में भी साक्षरता उत्पन्न होगी। HDFC का ये बहुत अच्छा प्रयास है कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए, लोगों को बैंकों के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही है उसकी जानकारी देने के लिए ये जो वैन है वो गांवों और पंचायतों में जाएगी, वहां पर लोगों को बताएगी कि भाई आपको बैंकों से पैसा लेने से क्या फ़ायदा है कंपेयर टू मनी लॉन्डर से लेने से, और लोगों को इस सुविधा का पता लगने से वो फाइनेंशियल उनका इंक्लूजन भी होगा और वो बैंकों से और अधिक अच्छे ढंग से जुड़ पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।